800 लाख में महिलाएं, गर्भवती महिलाएं मौत के कागार पर चली जाती थी। आज हमने उसको घटा करके और आने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 70 तय है, हम 70 लाने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक। और देश भर में हमारे कई राज्यों ने 60-65 और उससे भी कम हम गर्भवती माता जो लाख में इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है वो कम किया है। शिशु मृत्यु और बाल मृत्यु दर को भी हमने घटाया। आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खड़ा करके 30,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खड़ा किया है। 2022 तक आज़ादी के 75वीं साल में हम महिलाओं को स्वस्थ रखना देखना चाहते हैं, बच्चों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, सबको स्वस्थ देखना चाहते हैं और 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा संकल्प है और आज इसी को लेकर के आज देश भर में हम अपने स्वास्थ्य विभाग में जो हमारी माता बहन है उनको कार्य पर लगाने का, उनके परिवार को बुला करके उनके हेल्थ चेकअप का, न्यूट्रिशन के बारे में और वो नारी शक्ति स्वस्थ रहे। यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। धन्य है हमारी नारी शक्ति, हम उसे महान बनाना है और बिना नारी का भारत महान नहीं बन सकता, बिना नारी शक्ति का भारत महान नहीं बन सकता। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.